महामारी से आम जनता परेशान है, वहीं प्रशासन भी कुछ अपने कायदे कानून आम जनता को दिखाते दिख रहा है और आए दिन जुर्माना लगाया जा रहा है। पिकअप ट्रांसपोर्टर मिलकर जिला कलेक्टर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाते दिख रहे हैं। शहडोल यातायात विभाग की मनमानी से परेशान होकर पिकअप ट्रांसपोर्टरों ने मीडिया को बताया कि आज कई वर्षों से हमारे वाहन वन विभाग ऑफिस के बगल में खड़ी की जाती थी, पर यातायात विभाग के द्वारा गाड़ियों में लॉक लगा दिया गया और 5,000 रुपये जुर्माना की मांग की जा रही है। इस कोरोना महामारी में लोगों के नशे तोड़ दी, गरीब वर्ग के लोगों को जहां प्रशासन मदद करते दिख रही, वहीं यातायात के द्वारा जुर्माना वसूला जा रहा है, जहां इन ट्रांसपोर्टरों के सामने रोजी रोटी की आफत सामने है। सभी ट्रांसपोर्टरों ने कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आज़ाद बहादुर सिंह की अगुवाई में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर आवेदन दिया। वाहन स्वामी ने बताया कि हमारे वाहन कर्ज लेकर संचालित हैं, जिनसे उनका पूरा परिवार आश्रित है, हमें वाहन खड़ा करने का जगह दिया जाए। शेड्यूल से पंकज राव की रिपोर्ट। और आप लोगों को क्या समस्या हो रही है, आप लोग कलेक्टर ऑफिस आए हुए संबंधित मोहना तलाक पर गाड़ी मार्केट के व्यापारी अब यातायात वाले आते हैं, जबरदस्ती लॉक लगा के ले जाते हैं, परेशान करते हैं। हम गाड़ी कहाँ लगाए ये बताएं, हमको एक स्थायी जगह चाहिए, एक स्थायी जगह दे दे। तो लॉकडाउन से सब परेशान है, अब थोड़ा बहुत काम निकला तो ट्रैफिक वालों से परेशान है, करे तो करे क्या। पहले आप लोग गाड़ियां कहां लगाते भाई, मोहना तलाक पर। अब क्या कह रहा है यातायात, वो कहते हैं नगर पालिका से आप करो, नगर पालिका जाओ, कलेक्ट्रेट जाओ, हमको एक स्थायी जगह बता दे कहां खड़ी करना, गाड़ी खड़ी कर देते हैं। ग्राहक को आना जाना उनका काम, वो आते जाते रहेंगे जहाँ भी आना होगा। आप लोग की गाड़ियाँ ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं? हाँ, ट्रांसपोर्ट का काम। लगभग कितने वर्षों से आप वहाँ गाड़ी खड़ा कर रहे हैं? 20 साल से। 20 साल से। अभी यातायात प्रभारी से कोई बातचीत हुई? कुछ बात नहीं, उनके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई की जाती है, चालान करते हैं, लॉक लगा देते हैं। अच्छा, अभी कितनी गाड़ियों पर कार्रवाई हुई है? अभी चार गाड़ी पर लॉक लगा हुआ है, अभी कार्रवाई नहीं हुआ है। अच्छा, लॉक लग गया है। लॉक लग गया है। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कि स्थायी जगह दे दिया जाए, ये रोज का लाख लगाना, चलान करना, सब बचत हो जाए। क्या नाम था? बहुनी नहीं हो रही है भैया। क्या नाम? 4 महीने से मुन्ना ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट वाले सब छोटी गाड़ियों के ये मालिक होल्डर हैं, ये सब लोग जो छोटे माल वाहक हैं, ये अभी तक जो है राम मंदिर के अपनी भूमि पर पार्किंग किया करते थे, वहाँ एक मार्केट इनका बन चुका था, क्योंकि व्यापारियों को जो इनकी गाड़ियाँ चाहिए हायर करनी है, किराए से लेना है, तो वहाँ पर उपलब्ध रहता था। इन लोगों से वो गाड़ियां लेते थे ताकि ज़िले में विभिन्न अंचलों पर ट्रांसपोर्ट किया जाए इनके वाहन के माध्यमों से। अब चूंकि वहां पर किसी भी प्रकार से उन्होंने, वहां के जो पुजारी महोदय हैं, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन किया है, उसकी भी मैं तहकीकात कर लेता हूं। इनके ऊपर आरोप लगाया गया है नशाखोरी का, जबकि ये नशाखोरी क्या करेंगे, ये मजदूर वर्ग के लोग, जो वहाँ पर हो रहा है नशाखोरी हो रही है, वो तो मंदिर के भीतर प्रांगण में भी हो रहा है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नशीली, आपको दवाएं मिल जाएंगी, ट्यूब्स मिल जाएंगे, इंजेक्शंस मिल जाएंगे, अभी चले वहाँ पर आप देखें तो वहाँ पर उपलब्ध रहता है लोग, बल्कि उनको परेशानी है इनकी भीड़ से। खैर, वो विषय प्रशासन का है और उस पर अंकुश लगना चाहिए, नशाखोरी पर बिल्कुल अंकुश लगना चाहिए, लेकिन इनके साथ अन्याय ना हो, इन गरीबों के साथ अन्याय ना हो। एक तो लॉकडाउन का मामला, इस समय व्यापार भी ख़त्म हो रहा है और इनकी रोज़मर्रा के जीवन पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। भाई, पार्किंग मार्केट के भीतर या ऐसी जगह पर प्रशासन तय करे कि इनको, इनके ग्राहकों को दिक्कत ना जाए, इनको अपने व्यवसाय करने में कोई दिक्कत ना जाए, ये हम सब की मांग है। हम ये चाहते हैं इनके साथ अन्याय ना हो। आज बीच बाज़ार में इनकी पार्किंग थी, पार्किंग जहाँ भी दी जाए प्रशासन उस पर गौर करे, क्योंकि आज एक बहुत बड़ी संख्या है, ये पूरा परिवार इनसे जुड़ा परिवार है, सारे लोग हैं, वो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए पुलिस प्रशासन ने तो वहाँ से हटवा तो दिया, पर हटा देने के बाद इनकी व्यवस्था भी देखें, इनको व्यवस्था देखें कि ये कहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी कर सकें ताकि इनका व्यापार सुचारू रूप से चल सके, अपना ये भरण पोषण कर सकें, अपनी रोजी रोटी, अपने परिवार का देख रेख कर सकें। ये स्थिति प्रशासन को सोचना चाहिए। हमारा मान, क्या नाम आपका? हम आज़ाद बहादुर सिंह, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। ये सब हमारे अपने इस शहर के नागरिक हैं। मैं इनके सामने इनकी समस्याओं को लेकर प्रशासन से बात कर रहा हूँ। ठीक सर। नगर पालिका